मैसेज भेजा है कि स्कूल आगे मिली है, वैसे स्कूल की फीस का भी भेज सकते हैं ना मैसेज कि भी आपका अमाउंट इतना बाकी है, यहाँ पर इतनी भीड़ लगाने से क्या मतलब आ गया चीज़ के बारे में। सबके मोबाइल है, बच्चों के पास सबके मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, तो क्या दिक्कत इस चीज़ में, मतलब कि भीड़ इकट्ठी करवा के जबरदस्ती इकट्ठी करवा रहे हैं, फीस भी ऑनलाइन जमा हो जाती सारी चीज़ें। भाई ऐसे में तो होना भी चल रहा है, कोरोना चल रहा है, रोज अखबार में रोज मरीज बढ़ रहे हैं, आज अखबार में आज तक मरीज बढ़ रहे हैं, रोजाना कोरोना की दिक्कत आ रही है चीज़ के बारे में, जबरदस्ती मतलब नहीं चीज़ के, स्कूल इतना बड़ा स्कूल होने के बाद भी ऐसे बेवकूफ हरकत कर रहे हैं। ऐसे में क्या प्रशासन क्या बोल रहे हैं आप, तो इससे प्रशासन क्या करना, बच्चों को पढ़ाना, हमारे क्या क्या करें चीज़ के बारे में, मरे ना माँ बाप का, मरे ना भाई सब खाने के लिए पैसे नहीं, स्कूल में पैसे जमा कराने हमारे वालों का जवाब भी जी। मैं सोफिया स्कूल में आई है अपने डॉटर्स की कॉपीज़ लेने के लिए, वो बोल रहे हैं कि अगले साल का जो फीस जमा नहीं है वो वही फीस पूरा पेमेंट करे, उसके बाद कॉपीज़ ले जाए। सब पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और बहुत भीड़ लगी हुई है, सब पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। 70% था पिछली बार फीस जमा कराने का, सब पेरेंट्स ने 70% फीस दे चुके हैं, फिर भी ये अमाउंट ड्यू रख रहे हैं, बोला कि आप पूरी फीस पे कीजिए, उसके बाद आपको बच्चों की कॉपीज़ मिलेंगी। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूजा जी भैया, सर इनको बोला चेक से फीस ले लो आप, ये चेक से फीस लेने को तैयार नहीं है, बोलते कि चेक हमारे यहाँ नहीं चलते। क्यों नहीं चलते इसका जवाब चाहिए, क्योंकि स्कूल की जो फीस होती है वो इनकम टैक्स में रिफंडेबल होती है, कैश हम दिखा नहीं पाते। हम इनको बोल रहे हैं चेक से ले लो, चेक से लेने को तैयार नहीं है। कौन सी स्कूल है, कितनी परेशानी हो रही है आपको यहाँ? बहुत परेशानी हो रही है साहब, पहले वहाँ पे लाइन लगाओ, फिर हमने 70% फीस जमा करा दिया, बोल रहे 15% और जमा कराओ, उसके लिए हम यहाँ पे वापस लाइन लगा रहे हैं।